हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिट और शूट इन दो शब्दों में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। कब हमें फिट वर्ड यूज़ करना चाहिए, कब हमें शूट वर्ड यूज़ करना चाहिए, कब हमें यह कहना चाहिए कि हमारी शर्ट या हमारे जूते हमें फ़िट हैं, कब हमें यह कहना चाहिए कि हमारे जूते और हमारी शर्ट हमें शूट करती है। तो देखिए, ये जो शब्द होते हैं फ़िट और शूट, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, इनका मीनिंग सेम नहीं होता है। जो फिट वर्ड है ये साइज और शेप को रेफ़र करता है। कोई मान लीजिए हमारी शर्ट है या हमारे जूते हैं, वो साइज में या शेप में हमें जो है फिट हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, वो हमें फ़िट हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ और मैं कहता हूँ दीज शूज डोंट फिट मी, तो अगर वो फ़िट नहीं है, मान लीजिए कोई शर्ट है वो हमें फ़िट नहीं है या जूते हैं वो फ़िट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उनकी साइज़ या तो ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है। लेकिन जो शूट वर्ड है ये स्टाइल या कलर को रेफ़र करता है। इस शूट वर्ड का इस साइज या शेप से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। शूट जो वर्ड है वो किसको रेफ़र करता है, स्टाइल या कलर। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई शर्ट है या जूते हैं, उसकी जो स्टाइल है जिस शेप में वो बने हुए हैं या उसका जो कलर है वो हमें शूट करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो साइज या शेप में कैसे भी हों लेकिन उनका जो स्टाइल है या उनका जो कलर है वो हम पे जचता है, ठीक है। तो जो शूट वर्ड है ये सिर्फ स्टाइल या कलर को रेफ़र करता है, और जो फिट वर्ड है ये साइज या शेप को रेफ़र करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि रेड एंड ब्लैक आर कलर्स दैट शूट मी वेरी वेल, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेड और ब्लैक जो कलर हैं ये मुझे शूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुझे फिट है, क्योंकि फिट किसके लिए यूज़ किया जाता है, फिट उस वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है जो जो साइज या शेप में ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है। इसके अलावा शूट वर्ड का यूज़ तब भी किया जाता है कि मान लीजिए हमने कोई अरेंजमेंट की और वो अरेंजमेंट हमारे लिए कन्वीनियंट है या दूसरे के लिए कन्वीनियंट है, तो अगर कोई अरेंजमेंट कन्वीनियंट है तो इसका मतलब वो अरेंजमेंट शूट करती है। मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, आपके बचपन के फ्रेंड्स हैं, और वो आपसे आज कहते हैं कि भाई एक मीटिंग करते हैं, सभी बैठते हैं बातचीत करते हैं, तो आपके पास फ़ोन आता है, उनका कॉल आता है और आप ये कहते हैं भाई मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो मंडे को ही आ पाऊँगा, मतलब मंडे को मेरे लिए मीटिंग के लिए हम सभी दोस्त जो मिलेंगे मीटिंग करेंगे, तो इसके लिए मंडे मेरे लिए जो है वो कन्वीनियंट रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, मंडे वुड शूट मी वेरी वेल फॉर ए मीटिंग। तो यहाँ पर आप कहेंगे शूट, यहाँ पर आप फिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई अरेंजमेंट कन्वीनियंट है आपके हिसाब से तो आप वहाँ पर शूट वर्ड यूज करेंगे, फिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो फिट वर्ड है वो साइज या शेप को रेफ़र करता है, मतलब अगर कोई वस्तु आपके साइज या शेप में ठीक है, वो ना तो ज़्यादा बड़ी है आपके इसलिए ना ज़्यादा छोटी है, तो इसके लिए मतलब वो आपको फिट है। लेकिन अगर कोई वस्तु स्टाइल या कलर में जो आपको मैच करती है, ठीक है, तो वो आप ये कहेंगे कि ये मेरे लिए ये मुझे शूट करती है, आप वहाँ पर फिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा शूट वर्ड और कहाँ यूज होता है, अगर मान लीजिए कोई आपने अरेंजमेंट की और अरेंजमेंट किसी के लिए कन्वीनियंट है तो वो यहाँ पर शूट वर्ड यूज़ करता है कि भाई ये मेरे लिए ये जो जो भी व्यवस्था की है, जो भी अरेंजमेंट की है, मुझे शूट कर दिया, तो वहाँ पे फिट वर्ड यूज नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।